17 नंबर इंटीग्रल निकला e टू द पावर x माइनस 1 बाई में e टू द पावर x प्लस 1 dx। एक काम करते हैं यहां पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 ठीक है और माइनस में, या एक काम कर सकते हैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग कर सकते हैं इस तरह से कि e टू द पावर x प्लस 1 ठीक है और माइनस में 2 घटेगा तो फिर आपका वही आ जाएगा और y में है e टू द पावर x प्लस 1 dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां इसमें अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं या एक और काम कर सकते हैं, इसको ये फ्रैक्शन ना लेकर हम लोग ऐसे नहीं लेकर हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग एक और ऐसे भी ले सकते हैं इसमें ठीक है। क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 e टू द पावर x ले लीजिए और माइनस e टू द पावर x और माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस 1 dx। इंटीग्रल 2 e टू द पावर x, इसमें से माइनस कॉमन करो तो e टू द पावर x प्लस का 1 और y में e टू द पावर x प्लस 1 dx, ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2 e टू द पावर x y में e टू द पावर x प्लस का 1 dx और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस का 1 y में e टू द पावर x प्लस का 1 dx, ये दोनों कट जाएगा 1। अच्छा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो यानी हो जाएगा ये 2 * में log ऑफ e टू द पावर x प्लस 1, यहाँ 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और प्लस में से ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया,